घबराने की कोई जरूरत नहीं, मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट्री। खुद को समझता क्या? पुष्पा और एसपी भंवर सिंह क्या करेंगे? पुष्पा और एसपी भंवर सिंह के बीच कौन जीतेगा? क्या दक्षिण ही अपने भाई के मौत का बदला ले पाएगी? क्या पुष्पा 2 अपनी लेगेसी बना के रखेगी? क्या होगा पुष्पा 2 के एंड में? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। पुष्पा ने अकेले 70 करोड़ कमाए हैं उसके हिंदी वर्जन से और 300 करोड़ से ज्यादा पैसे कमाए हैं बॉक्स ऑफिस में वर्ल्ड वाइड। पुष्पा ने बहुत इजीली दुनिया की सबसे ज्यादा बड़ी हिट मूवी बाहुबली को भी पीछे छोड़ दिया है इस रिकॉर्ड के साथ। हम सब ने पुष्पा 1 द राइज देखी है और उसकी स्टोरी काफी ही अच्छी लगी है सबको। पुष्पा 2 द रूल भी कुछ ही टाइम में रिलीज हो जाएगी और काफी लोग अभी से वेट कर रहे हैं मूवी के रिलीज होने का। ये मूवी गोल्ड माइंस टेलीफिल्म्स प्रोडक्शन हाउस के अंडर प्रोड्यूस होने वाली है, जिसके प्रोड्यूसर मनीष शाह। इस मूवी के डायरेक्टर प्रशांत नील हैं, जिन्होंने काफी हिट फिल्म्स बनाई हैं जैसे केजीएफ चैप्टर 1, उग्रम और सालार। इस मूवी की कास्ट को है वो काफी अच्छी है और काफी अच्छे एक्टर्स हैं जैसे अल्लू अर्जुन, जिनको सब जानते हैं। अल्लू अर्जुन साउथ के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं और उन्होंने बहुत अच्छी फिल्म्स की जैसे लकी द रेसर, वैकुंठपुरम, नए पेरु सूर्या, ना इल्लू इंडिया और वेदम। अल्लू अर्जुन इस मूवी के मेन लीड हैं और अल्लू अर्जुन के अलावा इस मूवी में हमें और भी एक्टर्स देखने को मिलेंगे जैसे रश्मिका मंदाना, फहाद फासिल, धनंजय, सुनील राव, रमेश, अनुसुईया भारद्वाज, अजय, क्षितिज और मीमे गोपी। चलिए इस मूवी के बारे में और भी जानते हैं। ऐसा पता चला है कि पुष्पा 2 का प्री प्रोडक्शन काम ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है और बताया जा रहा है कि पुष्पा 2 में हमें अल्लू अर्जुन और फहाद फासिल का बहुत अच्छा एक्शन सीन देखने को मिलेगा। ऐसा बताया जा रहा है कि इस मूवी में जो चीजें यूज की जाएंगी और जो सीन दिखाए जाएंगे वो पुष्पा 1 से और बेटर होंगे और फैंस को देखने में बहुत मजा आने वाला है। पुष्पा 1 द राइज में एक गाना था उंटवा, जो गाना बहुत फेमस हुआ था और उस गाने ने बहुत सारे फैंस को अट्रैक्ट कर दिया था। मेन रीजन जिस वजह से ये गाना फेमस हुआ था वो था कि इस गाने में जो एक्ट्रेस थी जिनका नाम समांथा है, उनके डांस मूव्स और अल्लू अर्जुन के डांस मूव्स की वजह से ये गाना फैंस को बहुत अच्छा लगा। अब ये बात चल रही है कि फिल्म मेकर्स पुष्पा 2 द रूल में भी समांथा को रखेंगे फिर से किसी गाने के लिए ताकि और फैंस अट्रैक्ट हों, बट फिल्म मेकर्स ने अभी समांथा को कुछ बताया नहीं। फिल्म मेकर्स का कहना है कि जब पूरा गाना बन जाएगा तो तब उस समांथा को अप्रोच करेंगे। पुष्पा 1 द राइज के लिए सुपरस्टार अल्लू अर्जुन ने 35 करोड़ लिए हैं, बट उन्हें पता नहीं था कि ये मूवी इतनी ज्यादा हिट होने वाली। जब वो मूवी रिलीज हुई और जब अल्लू अर्जुन ने देखा कि ये मूवी कितनी हिट हो गई है तो उन्होंने फिल्म मेकर से बात करी और अब जब पुष्पा 2 द रूल आने वाली है इस मूवी के लिए उन्होंने अपना प्राइस बढ़ा दिया है। उन्होंने सीक्वल के लिए फिल्म मेकर से 50 करोड़ मांगे हैं काम करने के लिए। ऐसा बताया जा रहा है कि मूवी में जो अल्लू अर्जुन की को स्टार है रश्मिका मंदाना भी उस मूवी के लिए अपनी फीस 2 करोड़ से बढ़ा के 3 करोड़ कर चुकी है। अल्लू अर्जुन ने यह भी कहा है कि उन्हें अपने डांस स्किल्स भी दिखाने। अल्लू अर्जुन ट्रिपल आर मूवी में नाटू नाटू गाने से बहुत इंस्पायर हुए और उन्होंने देखा कि रामचरण और NTR के डांस मूव्स की वजह से उनका गाना इंडियन सिनेमा में बहुत फेमस हुआ। अल्लू अर्जुन ने इसलिए कहा कि उन्हें अपने डांस दिखाने हैं सबको क्योंकि वो साउथ के वन ऑफ द फाइनेस्ट डांसर्स हैं। तो हमें पुष्पा 2 द रूल में डांस भी देखने को मिल सकता है। मूवी के प्रोड्यूसर मनीष शाह ने कहा कि उन्हें पुष्पा 2 द राइज की शूटिंग में 210 दिन लगे और उन्होंने कहा कि पुष्पा 2 द रूल की शूटिंग 250 दिन में हो जाएगी। अगर बीच में कोई रुकावट नहीं आई तो उन्होंने कहा कि अगर फिर से लॉकडाउन लगता है या कोई रीजन की वजह से डिले हो जाता है तो मूवी को बनने में टाइम लगेगा। उनका मानना है कि मूवी 2023 में रिलीज होगी। पुष्पा 1 द राइज का बजट 200 से 250 करोड़ था और जैसा कि फिल्म मेकर्स ने कहा कि इस मूवी के सीक्वल में फैंस को और मजा आने वाला है क्योंकि ये प्रोजेक्ट फर्स्ट पार्ट से भी बड़ा होने वाला है। तो मान के चलिए इस मूवी का बजट 200 से 250 करोड़ तो होगा ही या तो उससे भी काफी ज्यादा। हम सब ने देखा था कि पुष्पा 1 द राइज में जो जंगल दिखाया गया था या वो जगह दिखाई थी वो कितनी सुंदर थी। ऐसा कहा जा रहा है कि पुष्पा 2 द रूल मूवी का पहला हिस्सा रामपा चावुदपुरम और मरेदुमुल्ली में हो रहा है जो कि आंध्र प्रदेश में है और बाकी शूटिंग केरला में है। हालांकि ये नहीं बताया गया कि शूटिंग यहां पर कब से कब तक हो। पुष्पा 1 द राइज के गानों ने बहुत सारे फैंस को अट्रैक्ट करा और पूरी मूवी में सारे गाने बहुत अच्छे लगे सभी को।
ये गाने म्यूजिशियन देव श्री प्रसाद ने कंपोज करे थे और अब कहा जा रहा है कि देव श्री प्रसाद ने पुष्पा 2 द रूल के लिए ऑलरेडी 3 गाने कंपोज कर रहे हैं जिसका सारे फैंस वेट कर रहे हैं। पुष्पा 1 द राइज की शूटिंग आंध्र प्रदेश के जंगल्स में और पुष्पा 2 द रूल की शूटिंग भी आंध्र प्रदेश के जंगल्स में ही होनी है। अब बताया जा रहा है कि जंगल में जाने के लिए रोड्स बनाई गई और डेली 500 व्हीकल्स यूज किए जा रहे हैं जिसकी वजह से फिल्म की कास्ट और एक्स्ट्रा जंगल में जा सके। साउथ में हमने देखा है जो गाने होते हैं उसमें भी बहुत लोग होते हैं, कम से कम 1000 लोग डेली होते हैं सेट पे डांस की शूटिंग के लिए। पुष्पा 1 द राइज में हमने देखा कि मूवी के एंड में भंवर सिंह और पुष्पा के बीच के एक लड़ाई स्टार्ट होती है। पुष्पा 2 द रूल में हमें भंवर सिंह और पुष्पा के बीच लड़ाई देखने को मिलेगी कि कैसे भंवर सिंह पुष्पा को कैसे अरेस्ट कर पाएंगे स्मगलिंग के केस में। साथ ही दक्षिणी जो थी वो अपने भाई की मौत का बदला लेते हुए भी दिखेगी। ऐसा कहा जा रहा था कि पुष्पा 2 द रूल की शूटिंग अभी कुछ टाइम में स्टार्ट होगी। एग्जैक्ट टाइम और डेट किसी को अभी नहीं पता है और ऐसा बताया जा रहा है कि मूवी की शूटिंग जुलाई 2022 में स्टार्ट होगी। पुष्पा 2 द रूल में फिल्म मेकर्स का कहना है कि इस सीक्वल में पुष्पा की पर्सनल लाइफ के बारे में बताया जाएगा और उसके बारे में कॉन्फ्लिक्ट्स भी दिखाए जाएंगे। फैंस को ये सीक्वल बहुत एक्साइटिंग है। फैंस इतने एक्साइटेड हैं पुष्पा 2 द रूल को लेते हुए कि उन्होंने अपने से ही पुष्पा 2 के पोस्टर्स बना दिए जो कि देखने में काफी अच्छे और काफी लोग वो पोस्टर देख के ही बहुत एक्साइटेड हैं। बट अभी तक ऑफिशियल कोई पोस्टर रिलीज नहीं हुआ है पुष्पा 2 द रूल की टीम के साइड से। कुछ फैंस पुष्पा 1 द राइज को क्रिटिसाइज करते हुए ये भी कह रहे हैं कि इस मूवी का सीक्वल नहीं बनना चाहिए था और फर्स्ट पार्ट में ही खत्म कर देनी चाहिए थी। कुछ लोगों का कहना है कि मूवी का फर्स्ट हाफ और गाना बहुत पसंद आया था बट सेकेंड हाफ अच्छा नहीं लगा। पुष्पा 2 और पुष्पा 1 दोनों मूवीज में एक चीज कॉमन है जो है अल्लू अर्जुन का लुक। फिल्म मेकर्स ने बताया है कि अल्लू अर्जुन को पुष्पा 2 बनने में 2 घंटे लगे थे और अल्लू अर्जुन काफी लंबे टाइम तक मेकअप में बैठे थे। पुष्पा 2 के लिए भी सेम ही उन्हें काफी टाइम लगेगा अल्लू अर्जुन से पुष्पा बनने में और फिर काफी टाइम लगेगा मेकअप उतारने में भी। उनका लुक भी इतना इंटेंस है जो कि फैंस को बहुत पसंद आ रहा है। मूवी की एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना ने इंस्टाग्राम के थ्रू सब फैंस को थैंक यू बोला और कहा कि पुष्पा 1 के लिए सबने बहुत प्यार दिया और साथ ही उन्होंने ये कहा कि जो प्यार मिला उन्हें पुष्पा 1 के लिए उसकी वजह से उनका मन करता है कि पुष्पा 2 द रूल के लिए और भी ज्यादा मेहनत करें। और इसमें उन्होंने ऐड किया कि पुष्पा 2 द रूल बिगर और बेटर होगी जिसकी वजह से फैंस बहुत एक्साइटेड हैं। पुष्पा 2 द रूल में जो सिनेमाटोग्राफर होंगे वो पोलैंड के हैं और उनका नाम मिर्सलो कुबा ब्रेस्के है। उन्होंने पुष्पा 1 द राइज में भी सिनेमाटोग्राफी की थी जिसके कारण व्यूअर्स को मूवी के शॉट बहुत पसंद आए। पुष्पा 2 में फैंस को इतने ही अच्छे सीन्स और जगह देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आप कितने एक्साइटेड हैं पुष्पा 2 के लिए हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा चैनल पॉलीग्राड स्टूडियोज।